हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई एजुकेशन। वाईफाई एजुकेशन के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे PSPCL LEC JEE 2019 के लिए मॉक सेट नंबर 8.3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 20 MCQs इंग्लिश ग्रामर के। इससे पहले भी हमने PSPCL एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सारे मॉक टेस्ट सॉल्व किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप वो भी देख सकते हैं। PSPCL एग्ज़ाम के लिए अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है, आप पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ये सीरीज़ बिल्कुल आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होती है, सो वीडियो को पूरे ध्यान से स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिए। इस सीरीज़ में आपको ईच क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय मिलता है। इन 5 सेकंड में पहले आपने क्वेश्चन खुद अटैम्प्ट करना होता है, उसके बाद जो उसका राइट आंसर होता है वो मैं बताता हूँ। ऐसा करने से आपकी एफिशिएंसी काफ़ी इंप्रूव होगी। इस सीरीज़ का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, इसका कारण है PSPCL एग्ज़ाम 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था LEC और JEE का, उस एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा था। उसी अकॉर्डिंग ये टेस्ट सीरीज़ बनाई गई है ताकि आपको कोई भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े 2019 के एग्ज़ाम में। अब आपका काम है इस लाइव सेशन को सभी ग्रुप्स में सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे साथ इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकें। क्योंकि आप सभी जानते हैं जो हमारा इंग्लिश का सेशन होता है वो सुबह 11:30 बजे लाइव होता है। सुबह 11:30 बजे आप इसे लाइव भी देख सकते हो 11:30 पर। इस डेली के सेशन में 40 से 50 स्टूडेंट डेली लाइव आते हैं, बट मैं चाहता हूं हम 100 क्रॉस करें। ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब आप इस वीडियो को शेयर करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करोगे, क्योंकि ये सारा मटेरियल आपके लिए ही तैयार किया जा रहा है। इसलिए मैं ये मान के चलता हूँ जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ लाइव हो चुके हैं सभी स्टूडेंट ने इस वीडियो को एक एक ग्रुप में शेयर कर दिया है। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एरर। एक सेंटेंस गिवन है, उसके किसी पार्ट में एरर है। इन्होंने पूछा है किस पार्ट में एरर है। आपका जो सेंटेंस है वो है द टाटा ग्रुप ओन्स मैनी इंडस्ट्रीज दैट आर स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब और नो एरर। आपके ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4, किस पार्ट में एरर है। जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए, आपका समय स्टार्ट है अब। इस सेंटेंस के जो पार्ट में एरर है वो है सेकंड पार्ट में, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा सेकंड ऑप्शन, सेकंड पार्ट में एरर है। क्या एरर है? जो यहाँ पर स्प्रेड यूज़ हुआ है, यहाँ पर स्प्रेड यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर यूज़ होगा स्प्रेडेड। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्प्रेडेड यूज़ होगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ क्यों यूज़ होगा स्प्रेडेड। पहले आप स्पेलिंग देख लो, स्प्रेडेड ये यहाँ पर आएगा स्प्रेड की जगह पर। स्प्रेडेड का अर्थ होता है फैलया होया, यहाँ पर पंजाबी में इसका मीनिंग भी लिख दिया है फैलया होया, ये अर्थ होता है स्प्रेडेड का, ये भी आपने याद रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ जो स्प्रेड का अर्थ होता है, स्प्रेड का जो अर्थ होता है वो होता है फैलाना, फैलाना अर्थ होता है स्प्रेड का, बट स्प्रेडेड का अर्थ होता है फैलया होया। यहाँ पर इन्होंने देखिए क्या बताया हुआ है, फर्स्ट लाइन में द टाटा ग्रुप ओन्स, जो टाटा ग्रुप है मालिक है मैनी इंडस्ट्रीज, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ का, दैट आर स्प्रेडेड अक्रॉस द ग्लोब, जो पूरे ग्लोब में फैली हुई हैं। इसलिए जो यहाँ पर सेंस यूज़ होगी वो यूज़ होगी स्प्रेडेड की, यानी कि फैली हुई की सेंस यूज़ होगी। ये मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया होगा आई होप। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा सेकंड ऑप्शन, सेकंड पार्ट में एरर है, स्प्रेडेड की जगह यूज़ होगा स्प्रेडेड। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन अगेन एरर से है, इसके किसी पार्ट में एरर है। इन्होंने पूछा है किस पार्ट में एरर है। आपका जो सेंटेंस है वो है शी हैज़ नॉट बीन टू द रेस्टोरेंट मच लेट। आपके ऑप्शन है ये 4, 1, 2, 3 और 4, इसके किस पार्ट में एरर है। जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए, आपका समय स्टार्ट है अब। इस सेंटेंस के जो पार्ट में एरर है वो है थर्ड पार्ट में, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा थर्ड ऑप्शन, थर्ड पार्ट में एरर है इस सेंटेंस के। क्या एरर है? जो यहाँ पर मच लेट यूज़ हुआ है, यहाँ पर सो लेट यूज़ होगा, यानी कि यहाँ पर जो दिया हुआ है मच लेट, यहाँ पर यूज़ होगा सो लेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने जो ऐसी सेंस बनानी है जो एक्सप्रेस करे रिसेंटली या फिर हाल ही में या फिर रिसेंटली, वो सेंस मिलती है हमें सो लेट से। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा थर्ड ऑप्शन, थर्ड पार्ट में एरर है। जो यहाँ पर मच लेट यूज़ हुआ है, यहाँ पर सो लेट यूज़ होगा। आई होप आप सभी ने यह क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक से। यहाँ पर एक ब्लैंक गिवन है, इन्होंने पूछा है इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा आपका। आपका जो सेंटेंस है वो है ही कुड एक्सेल इन हिज बोर्ड एग्जाम्स ओनली आफ्टर डैश वेरी हार्ड। आपके ऑप्शन है ये 4, कंटिन्यूइंग, फंक्शनिंग, लर्निंग
टॉलिंग टॉयलिंग सॉरी फोर्थ ऑप्शन है ये टॉयलिंग। जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए, आपका समय स्टार्ट है अब। थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए। इस आफ्टर के बाद क्या आएगा? आपका समय स्टार्ट हो चुका है। इस आफ्टर के बाद आएगा टॉयलिंग, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा सेकंड ऑप्शन। टॉयलिंग आएगा यहाँ पर जो आफ्टर के बाद आएगा। टॉयलिंग का अर्थ क्या होता है? टॉयलिंग का अर्थ होता है मेहनत करना, मेहनत अर्थ होता है टॉयलिंग का, मेहनत। उसके बाद यहाँ पर जो एक्सेल गिवन है इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है उत्तम स्थान पाना। यहाँ पर लिख दिया है उत्तम स्थान पाना। यहाँ पर दोनों के मीनिंग लिख दिए हैं। जो टॉयलिंग का अर्थ होता है वो होता है मेहनत, और जो एक्सेल का अर्थ होता है वो होता है उत्तम स्थान पाना। जो इसकी सेंस बनेगी सेंटेंस की वो बनेगी ही कुड एक्सेल इन हिज बोर्ड एग्जाम्स ओनली आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्ड। उसने बोर्ड के एग्ज़ाम में काफ़ी उत्तम स्थान पाया है ओनली आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्ड। थोड़ी सी मेहनत करने के बाद उसने उत्तम स्थान पाया है बोर्ड के जो एग्ज़ाम हुए हैं। इसलिए जो सही आंसर है हमारा फोर्थ ऑप्शन है टॉयलिंग। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन अगेन फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन है। आपका जो क्वेश्चन है वो है, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, आपका जो सेंटेंस है वो है ही डैश हिज कैमरा ऑन द टेबल। यहाँ पर ही के बाद क्या आएगा? आपके ऑप्शन है लेड, लेन, ले और लाई। जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए, आपका समय स्टार्ट है अब। इस सेंटेंस में जो ही के बाद आएगा वो आएगा लेड, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा फर्स्ट ऑप्शन लेड आएगा यहाँ पर। लेड का अर्थ क्या होता है? लेड का अर्थ होता है रख्या। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पंजाबी में लिख दिया गया है रख्या अर्थ होता है लेड का। अगर पूछा जाए ले का अर्थ क्या होता है? ले का अर्थ होता है रखना, रखना अर्थ होता है ले का। ये दोनों पंजाबी के वर्ड हैं, आपने याद रखना है। लेड का अर्थ होता है रख्या और ले का अर्थ होता है रखना, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। ये आपका सेंटेंस ऐसे कंप्लीट होगा ही लेड हिज कैमरा ऑन द टेबल। उसने अपना कैमरा टेबल पे रखा। अगर हम यहाँ पर ले यूज़ करेंगे तो आपका सेंटेंस बनेगा उसने अपना कैमरा टेबल उत्ते रखना, यानी कि बनना चाहिए सी रख्या, इसलिए इसका राइट आंसर होएगा ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन लेड। आई होप सभी ने यह क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है सिनोनियम से। इन्होंने पूछा है सिमिलर मीनिंग पूछा है। आपका जो वर्ड है वो है मोनोटोनियस। मोनोटोनियस का अर्थ क्या होता है? मोनोटोनियस का अर्थ होता है पंजाबी में इकसार। इकसार अर्थ होता है मोनोटोनियस का। इन्होंने पूछा है इसका सही सिनोनियम कौन सा बनेगा? आपके ऑप्शन है डल, टिमिड, अनफ्रेंडली और लस्टी। जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए, आपका समय स्टार्ट है अब। इनमें से कौन सा सिनोनियम है मोनोटोनियस का? दिए गए चार ऑप्शन में से जो मोनोटोनियस का सही सिनोनियम है वो है डल, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा फर्स्ट ऑप्शन डल। ये दोनों का मीनिंग सेम सा है, यानी कि ये एक दूसरे के समानार्थक शब्द हैं, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा फर्स्ट ऑप्शन डल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्स नंबर क्वेश्चन अगेन सिनोनियम से क्वेश्चन है। सिमिलर वर्ड देखना है हमें कौन सा है। आपका जो वर्ड है वो है एल्यूसिव। एल्यूसिव का कौन सा आपका सही सिनोनियम बनेगा? आपके ऑप्शन है बैफलिंग, एंटीसिंग, डायरेक्टिंग, सूथिंग। जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए, आपका समय स्टार्ट है अब। दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा एल्यूसिव का सही सिनोनियम है? दिए गए चार ऑप्शन में से जो एल्यूसिव का सही सिनोनियम है वो है बैफलिंग, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा फर्स्ट ऑप्शन बैफलिंग सही सिनोनियम है। इसका अर्थ क्या होता है एल्यूसिव का? एल्यूसिव का अर्थ होता है मायावी। मायावी जो जादूगर वगैरह होते हैं उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं पंजाबी का मायावी, ये मीनिंग होता है एल्यूसिव का। और जो बैफलिंग का अर्थ होता है वो होता है जो चौंकाने वाले काम करे, यानी कि उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं बैफलिंग, जो चौंकाने वाले काम करे, जो ऐसे काम करे जो किसी के समझ में ना आए। इसलिए हमारे ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए, सेम वर्ड हो गए, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा फर्स्ट ऑप्शन बैफलिंग। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेवन्थ नंबर क्वेश्चन है ऑपोजिट मीनिंग, यानी कि इन्होंने पूछा है एंटोनियम।
आपका जो वर्ड है वो है कोलोसल। कोलोसल का सही एंटोनिम कौन सा है? आपके ऑप्शन है ये चार, एपिक, रस्ट, टीनी और वास्ट। जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए, आपका समय स्टार्ट है अब। दिए गए चार ऑप्शन में से जो कोलोसल का सही एंटोनिम है वो है टिनी, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा थर्ड ऑप्शन, टिनी। ये एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड हो गए। जो कोलोसल का अर्थ होता है वो होता है प्रचंड या फिर भारी, प्रचंड या फिर भारी, दोनों मीनिंग यहाँ पर लिख दिए हैं, आप देख सकते हो। प्रचंड और भारी दोनों पंजाबी में लिख दिए हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट बोलते हैं सर पंजाबी में लिखा करो, इसलिए यहाँ पर पंजाबी में लिख दिए हैं। प्रचंड और भारी अर्थ होता है कोलोसल का। जो टिनी है इसका ऑपोजिट, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है नन्ना, नन्ना या फिर हल्का, नन्ना या फिर हल्का, ये अर्थ होता है टिनी का। ये एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड हो गए, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा थर्ड ऑप्शन, टिनी। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट्थ नंबर क्वेश्चन। एट्थ नंबर क्वेश्चन अगेन ऑपोजिट वर्ड देखना है हमें। जो आपका वर्ड है वो है ऑप्रोब्रियम। ऑप्रोब्रियम का सही एंटोनिम कौन सा है? आपके ऑप्शन है अडलेशन, इग्नोमिनी, उसके बाद थर्ड है माइस्टिकल और लास्ट है ऑप्शन आपका प्रीक्लूड। जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए, आपका समय स्टार्ट है अब। ऑप्रोब्रियम का सही एंटोनिम कौन सा है? ऑप्रोब्रियम का जो सही एंटोनिम है वो है एडुलेशन, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा फर्स्ट ऑप्शन, एडुलेशन। ये एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड हो गए। जो यहाँ पर ऑप्रोब्रियम है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बेइज्जती, बेइज्जती अर्थ होता है ऑप्रोब्रियम का। यहाँ पर पंजाबी में लिख दिया है, आप देख सकते हो, बेइज्जती अर्थ होता है ऑप्रोब्रियम का। अगर पूछा जाए एडुलेशन का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है मेहमान नवाजी करना या फिर मनोरंजन करना, किसी का मनोरंजन करना या फिर मेहमान नवाजी करना। यहाँ पर एक दूसरे के ये ऑपोजिट वर्ड हो गए। इसका अर्थ होता है बेइज्जती करना, यहाँ पर अर्थ होता है मनोरंजन करना या फिर मेहमान नवाजी करना। ये एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड हो गए, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा फर्स्ट ऑप्शन, एड्यूलेशन, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर एंटोनियम पूछा है, ऑपोजिट वर्ड पूछा है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है इडियम और फ्रेज से है ये क्वेश्चन। आपका जो इडियम और फ्रेज है वो है आल अगोग। ऑल अगग, इसका अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है अवॉइड, कंटेंटमेंट, अमेज्ड और लास्ट ऑप्शन है आपका अनसिस्टमेटिकली। जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए, आपका समय स्टार्ट है अब। ऑल अगोग का सही इडियम और फ्रेज का अर्थ क्या है? ऑल अगोग जो इडियम और फ्रेज है इसका अर्थ होता है अमेज्ड, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा थर्ड ऑप्शन, अमेज्ड, ये इसका राइट आंसर रहेगा। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है हैरान, इसका अर्थ होता है हैरान, जो हैरान कर दे उसे, उसके लिए हम इंग्लिश का वर्ड यूज़ करते हैं अमेज्ड, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा थर्ड ऑप्शन, अमेज्ड। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेंथ नंबर क्वेश्चन। टेंथ नंबर क्वेश्चन अगेन इडियम और फ्रेज का क्वेश्चन है। आपका जो इडियम और फ्रेज है वो है नॉट टू मीन्स मैटर्स, नॉट टू मीन्स मैटर्स, इसका सही अर्थ क्या है? आपके ये चार ऑप्शन है, टू बी एट ईज, टू नॉट कन्फ्यूज अदर्स, टू नॉट इंटरफेयर इन अदर अफेयर्स और लास्ट ऑप्शन है आपका टू स्पीक आउट पोलाइटली। जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए, आपका समय स्टार्ट है अब। इनमें से आपका कौन सा सही आंसर होगा? दिए गए चार ऑप्शन में से जो आपका सही आंसर है वो है फोर्थ ऑप्शन, टू स्पीक आउट पोलाइटली, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा फोर्थ ऑप्शन, टू स्पीक आउट पोलाइटली। ये इडियम और फ्रेज हम उसके लिए यूज़ करते हैं जो काफ़ी कम बोलता हो और पोलाइट बोलता हो, यानी कि कम बोलता हो, उसके लिए हम जो इडियम और फ्रेज यूज़ करते हैं वो है नॉट टू मिस मैटर्स, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा फोर्थ ऑप्शन, टू स्पीक आउट पोलाइटली। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेवंथ नंबर क्वेश्चन। इलेवंथ नंबर क्वेश्चन हमने इम्प्रूव करना है, आपको ब्रैकेट में कुछ दिया है, इसको हम किसके साथ चेंज करके इम्प्रूव कर सकते हैं सेंटेंस को। आपका जो क्वेश्चन है वो है द डॉक्टर ब्रैकेट में है हैज़ एडवाइज हिम टू टेक अ प्रॉपर डाइट। आपके ऑप्शन हैज़ एडवाइज, हैड बीन एडवाइज, वॉज एडवाइज और लास्ट है नो इम्प्रूवमेंट। जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए, आपका समय स्टार्ट है अब।
हैज़ एडवाइस को हमें चेंज करना पड़ेगा हैज़ एडवाइज्ड के साथ, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा फर्स्ट ऑप्शन हैज़ एडवाइज्ड आएगा। यहाँ पर आपका सेंटेंस ऐसे कंप्लीट होगा द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड हिम टू टेक प्रॉपर डाइट। यहाँ पर जो एडवाइस गिवन है इसका तो अर्थ होता है सलाह, यहाँ पर लिख दिया है एडवाइस का अर्थ होता है सलाह। यहाँ पर जो हैज़ एडवाइज यूज़ हुआ है एडवाइज्ड का, यहाँ पर अर्थ होगा सलाह देती, यहाँ पर पंजाबी में लिख दिया है सलाह देती अर्थ होता है एडवाइज्ड का, यहाँ पर यही सेंस बनेगी द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड हिम टू टेक प्रॉपर डाइट, डॉक्टर ने सलाह दी प्रॉपर डाइट लेने की, ये आपका सही अर्थ बनेगा इस सेंटेंस का। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा फर्स्ट ऑप्शन हैज़ एडवाइज्ड आएगा हैज़ एडवाइज के प्लेस पर। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12th नंबर क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। देखिए आपका जो ये भी है अगेन इम्प्रूव करना है, ये सेंटेंस भी ब्रैकेट में कुछ दिया हुआ है, इसको हम किसके साथ रिप्लेस करें कि आपका सेंटेंस है जो काफ़ी इम्प्रूव हो जाए। आपका जो सेंटेंस है वो है बीइंग अ प्लीजेंट इवनिंग वो वेंट आउट फॉर अ लॉन्ग ड्राइव ऑन अ हाईवे। जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए, बीइंग अ प्लीजेंट इवनिंग को हम किसके साथ रिप्लेस करें कि हमारा जो सेंटेंस है वो एक बिल्कुल एक्यूरेट बन जाए और इम्प्रूव हो जाए जो ये सेंटेंस बना हुआ है। आपके ऑप्शन है ये चार, एज अ प्लीजेंट इवनिंग, इट बीइंग अ प्लीजेंट इवनिंग, थर्ड ऑप्शन है विद अ प्लीजेंट इवनिंग और लास्ट ऑप्शन है नो इम्प्रूवमेंट। जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए, इसका कौन सा आंसर आएगा आपका। आपका समय स्टार्ट है अब। इस सेंटेंस को हम इम्प्रूव करने के लिए, इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा इट बीइंग अ प्लीजेंट इवनिंग, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा सेकंड ऑप्शन इट बीइंग अ प्लीजेंट इवनिंग आएगा, जो यहाँ पर बीइंग अ प्लीजेंट इवनिंग है इसके प्लेस पर। आज का आपका सेंटेंस ऐसे कंप्लीट होगा इट बीइंग अ प्लीजेंट इवनिंग वी वेंट आउट फॉर अ लॉन्ग ड्राइव ऑन अ हाईवे। आई होप आप सभी ने यह क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13th नंबर क्वेश्चन ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, यानी कि आपको एक फ्रेज गिवन होगी उसके लिए हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन गिवन है, उनमें से कौन सा आपका सही आंसर होगा। आपका जो फ्रेज गिवन है वो है अराउंड अबाउट अ वे ऑफ स्पीकिंग, और आपके जो ऑप्शन हैं ये चार हैं सेंटीपेड सर्कम लोकेशन कॉर्शियन और लास्ट ऑप्शन है कंसेंट्रिक। जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए, इनमें से आपका कौन सा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो यूज़ होगा अराउंड अबाउट अ वे ऑफ स्वीपिंग के प्लेस पर। जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए, अराउंड अबाउट वे ऑफ स्वीपिंग के प्लेस पर हम यूज़ करेंगे सरकम लोकेशन, ये इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है इसलिए हम ये यूज़ करेंगे सरकम लोकेशन, ये इसका राइट आंसर होगा। इसका अर्थ क्या होता है, कपटपूर्ण बातें, कपटपूर्ण गल्ला, यहाँ पर पंजाबी में लिख दिया है कपटपूर्ण गल्ला अर्थ होता है इस सरकम लोकेशन का, कपटपूर्ण बातें या फिर गल्ला, पंजाबी में बोलते हैं गल्ला और हिंदी में बोलते हैं बातें, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा सेकंड ऑप्शन सरकम लोकेशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14th नंबर क्वेश्चन अगेन वेस्ट सब्स्टिट्यूशन देखना है हमें, एक फ्रेज गिवन है उसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखना है हमें। आपका जो फ्रेज गिवन है वो है एन ओल्ड अनमैरिड वूमेन के लिए हम कौन सा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो यूज़ करेंगे। आपके ऑप्शन हैं ये चार, मैसोसिस्ट सेप्चुआजेनरियन, थर्ड ऑप्शन है स्निपर और लास्ट है स्पिंस्टर। जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए, इसके लिए कौन सा हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे एन ओल्ड अनमैरिड वूमेन के लिए। आपका समय स्टार्ट है अब। एन ओल्ड अनमैरिड वुमेन के लिए जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे वो करेंगे स्पिंस्टर, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा फोर्थ ऑप्शन स्पिंस्टर यूज़ करेंगे। स्पिंस्टर का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कुआरी स्त्री, कुआरी यहाँ पर पंजाबी में लिख दिया है कुआरी स्त्री, इसका अर्थ होता है स्पिंस्टर का, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा फोर्थ ऑप्शन स्पिंस्टर। इन्होंने यहीं पर यही पूछा है एन ओल्ड अनमैरिड वुमेन के लिए कौन सा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे वो करेंगे स्पिंस्टर, इसका अर्थ होता है कुआरी स्त्री। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा, अगर नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, बस आप याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15th नंबर क्वेश्चन
15 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कोई ना कोई जो वर्ड दिया हुआ है उसके जो स्पेलिंग है वो रॉन्ग है। इन्होंने पूछा है किसके स्पेलिंग रॉन्ग है। आपके ऑप्शन है ये चार, ऑटम, उसके बाद सेकंड ऑप्शन है डिस्परेट, उसके बाद थर्ड ऑप्शन है रिसेप्ट, फोर्थ ऑप्शन है ट्रैफिक। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, सभी का आंसर आना चाहिए, जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए। दिए गए चार ऑप्शन में से जो स्पेलिंग रॉन्ग है वो है रिसेप्ट के, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा थर्ड ऑप्शन, रिसेप्ट के जो स्पेलिंग है ये रॉन्ग है। इसके जो स्पेलिंग होंगे वो होंगे RECEIPT, ये रिसेप्ट के सही स्पेलिंग होंगे। रिसेप्ट के सही स्पेलिंग ये होंगे, इन्होंने यहाँ पर ई के प्लेस पर आई यूज़ किया है और आई के प्लेस पर यूज़ किया है ई, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि इन्होंने पूछा है इनकरेक्टली स्पेल्ट, यानी कि जिसके स्पेल्ट रॉन्ग हैं वो पूछा है। यहाँ पर चारों ऑप्शन में से इसके स्पेलिंग रॉन्ग है, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा थर्ड ऑप्शन रिसेप्ट। आई होप आपको ये सभी को पता होगा ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन अगेन इनकरेक्टली स्पेल्ट दिया हुआ है। दिए गए चार ऑप्शन में से किसके स्पेलिंग रॉन्ग हैं। आपके ऑप्शन है ये चार, सेंचुरी, फाइनेंस, रिमेंबर और स्पॉन्सर। जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए, आपका समय स्टार्ट है अब। दिए गए चार ऑप्शन में से जो स्पेलिंग रॉन्ग है वो है फोर्थ ऑप्शन के, स्पॉन्सर के, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा फोर्थ ऑप्शन, स्पॉन्सर के स्पेलिंग रॉन्ग है। इसके जो स्पेलिंग होंगे वो होंगे SPONSOR आएगा, यहाँ पर जो इन्होंने यूज़ किया है ई यूज़ किया है, यहाँ पर आएगा ओ आएगा, स्पॉन्सर के ये सही स्पेलिंग होंगे, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा फोर्थ ऑप्शन, स्पॉन्सर के स्पेलिंग रॉन्ग है। आई होप आपको सभी को ये क्वेश्चन आता होगा, ये काफ़ी बार SSC के एग्जाम में रिपीट हो चुका है, सो बिल्कुल याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आपको चार सेंटेंस गिवन है, इन्होंने बोला है इन्हें अरेंज करना है कि आपका एक बिल्कुल करेक्टली मीनिंगफुल पैरा बन सके। ये आपका सारे दिए हुए हैं PQRST, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको सभी को ये विजिबल हो अच्छे से। आपने अटेम्प्ट करना है, ये चार ऑप्शन हैं ये आपके जो दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इनमें से आपका कौन सा सही आंसर होगा, जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए। मैं आपको रीड करके नहीं बताऊँगा क्योंकि काफ़ी बड़ा पैरा है, आपको बस ऐसे ही रीड करना है, 10 सेकंड मिलेंगे आपको, जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए, आपका समय स्टार्ट है अब। दिए गए चार ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑर्डर है वो है थर्ड ऑप्शन का, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा थर्ड ऑप्शन, SRQP, ये इसका सही ऑर्डर है, यानी कि फर्स्ट प्लेस पर आएगा आपका एंड इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज विच सराउंड अस टू हेल्प इन नंबर ऑफ वेज, उसके बाद आएगा आर पार्ट, इट प्रोवाइड्स अस बेटर मीडियम टू ग्रो एंड डिवेल्प, उसके बाद आएगा क्यू, इट गिव्स अस ऑल थिंग्स विच वी नीड टू लिव आवर लाइफ ऑन दिस प्लैनेट, उसके बाद आएगा पी जो आपका लास्ट है, हाउएवर आवर इन्वायरमेंट ऑल्सो नीड सम हेल्प फ्रॉम ऑल ऑफ अस टू गेट मेंटेन्ड एज यूजल टू नॉरिश आवर लीव्स फॉर एवर एंड टू नेवर रियून आवर लीव्स, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा थर्ड ऑप्शन SRQP, ये इसका सही ऑर्डर बनेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा, ये इसका सही करेक्ट एग्जैक्ट ऑर्डर है। इस टाइप के क्वेश्चन को आपने ऑप्शन एलिमिनेट करके करना है, जो यहाँ पर दिया हुआ है हाउएवर वाला, ये कभी भी फर्स्ट प्लेस पर नहीं आ सकता, इसके आगे कोई ना कोई सेंटेंस जरूर आएगा जो इसको एक्सप्रेस करेगा, इसलिए आपको ऐसे ही वर्ड ढूंढने हैं जो आपको बिल्कुल सही दिशा बता देंगे आपको कि कौन सा सेंटेंस सबसे पहले आएगा। ऐसे वर्ड ढूंढने हैं आपने जो फर्स्ट प्लेस पर कभी नहीं आ सकते, और ऐसे वर्ड ढूंढने हैं जो लास्ट प्लेस पर भी कभी नहीं आ सकते, ऐसे आपका सेंटेंस बिल्कुल सही बनेगा। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन अगेन एक लॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस क्वेश्चन का आंसर आपने बताना है कमेंट बॉक्स में, ये आपका होमवर्क है, पूरा सोच समझ के आपने ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट करना है। अगर आपने नहीं अटेम्प्ट किया तो मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको इसका आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगा, तब तक आप सभी ने इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो है 19 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है एक्टिव पैसिव वॉइस से,
इन्होंने एक एक्टिव सेंटेंस दिया हुआ है, इसे हमने पैसिव में कन्वर्ट करना है। आपका जो सेंटेंस है वो है रोहन वाज नॉट टोल्ड अबाउट द ईमेल। इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस कौन सी बनेगी? आपके ये चार ऑप्शन हैं, जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए। आपको इसके लिए भी मिलेंगे 10 सेकेंड, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए आपको अटैम्प्ट करना है। आपका समय स्टार्ट है अब। इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट ऑप्शन, नोबडी टोल्ड रोहन अबाउट द ईमेल। ये इसकी पैसिव वॉइस बनेगी, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा फर्स्ट ऑप्शन, नोबडी टोल्ड रोहन अबाउट द ईमेल। जो यहाँ पर नोट गिवन है, इसके लिए हमने नोबडी यूज़ कर लिया, क्योंकि यहाँ पर देखिए सम वर्ड यूज़ करके नोट यूज़ कर लिया, बिल्कुल इनकोरेक्ट है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। नाले आप यूज़ कर लो नोट, उसी सेंटेंस में आप यूज़ कर लो समबडी, उसकी जगह हम नोबडी यूज़ कर लेंगे। उसके बाद जो यहाँ पर थर्ड सेंटेंस गिवन है, द ईमेल वाज, जो यहाँ पर ईमेल को तो इन्हें सब्जेक्ट बना लिया, उसके बाद इसको तो ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, यहाँ पर टू रोहन रख लिया, यहाँ पर बाय रोहन लिखते जा तो फिर, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है, देर वाज नो बॉडी, देर वाज नो बॉडी हु, यहाँ पर हु की तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर ये भी इनकरेक्ट हो गया। आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं, आपका 100% आपका सेंटेंस बिल्कुल सही बनेगा और आपका क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा, सही बनेगा। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा फर्स्ट ऑप्शन, नोबडी टोल्ड रोहन अबाउट द ईमेल। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, 20th नंबर क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है आपने। ये क्वेश्चन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से, यानी कि नरेशन से। आपका जो सेंटेंस है वो है, राम सेड टू रोहन डोंट रन सो फास्ट। ये आपके चार ऑप्शन है, ये आपने अटैम्प्ट करना है, जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए। थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको सभी को विजिबल हो, देखिए और जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए। आपका समय स्टार्ट है अब। राम सेड टू रोहन डोंट रन सो फास्ट, इसका जो सही इनडायरेक्ट स्पीच कौन सा बनेगा? जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए, आपका समय स्टार्ट होता है अब। इसकी जो सही इनडायरेक्ट स्पीच है वो है फोर्थ ऑप्शन में, राम टोल्ड रोहन नॉट टू रन सो फास्ट। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा फोर्थ ऑप्शन, राम टोल्ड रोहन नॉट टू रन सो फास्ट। यहाँ पर सेड टू को हमने चेंज कर लिया टोल्ड में, उसके बाद रोहन को एज इट इज रख लिया, और आपको पता होगा डोंट को हम किसके साथ रिप्लेस करते हैं, हम रिप्लेस करते हैं नॉट टू के साथ। डू नॉट को हम रिप्लेस करते हैं नॉट टू के साथ। बाकी सारा सेंटेंस आपका एज इट इज आ गया, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा फोर्थ ऑप्शन, राम टोल्ड रोहन नॉट टू रन सो फास्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप कोई इस वीडियो में चेंजेस करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई इंक्वायरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आप मुझसे इंस्टाग्राम एज वेल एज फेसबुक दोनों पर जुड़ सकते हो, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ से डायरेक्ट आप विजिट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप सपोर्टिंग वाईफाई एजुकेशन।